हाय हेलो नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टूडेंट फरमाइश पे। आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन भी खत्म हो गया और जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन के लिए, और आपको पता है कि सबका बेसिकली है ना आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम एग्जामिनेशन रिजल्ट एक पीडीएफ में आउट हो जाता है, लेकिन उसका जो मार्कशीट्स है वो अभी भी जो है आपको पता होगा दोस्तों कि वो आउट नहीं हुआ है। अब इसका इंटरव्यू नहीं होना है, ये डायरेक्ट जो है आपको फाइनल सिलेक्शन का जो लिस्ट आएगा वही आएगा। आई वॉज गोइंग थ्रू सम ऑफ दी कमेंट्स और जो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे, आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे सवाल पूछ सकते हैं SFY_आशीष पे कि सर शायद आपने नोटिफिकेशन ठीक से नहीं पढ़ा है। उस नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 22 पे है ना, वहाँ पे लिखा गया है कि द डिटेल्स ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स विल नॉट बी फर्निश्ड, ऐसा करके कुछ लिखा गया है। आप एग्जैक्टली जो है आप पॉइंट नंबर 22 नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। तो इसलिए शायद सर अब रिजल्ट नहीं आएगा, प्रीलिम एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आएगा और उसके बारे में हमको भूल जाना चाहिए, और जो भी होगा वो फाइनल सिलेक्शन के बाद ही होना है। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि आपको रिजल्ट जो भी आपका हुआ है आपको भूल जाना चाहिए, आपको अगले एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था उस 2019 के नोटिफिकेशन भी पॉइंट नंबर 23 में, इस बार पॉइंट नंबर 22 में नहीं पॉइंट नंबर 23 में ये मेंशन किया गया था कि सेम चीज़ जो अभी 2022 वाले नोटिफिकेशन पॉइंट नंबर 22 में और 2019 वाला नोटिफिकेशन पॉइंट नंबर 23 में दोनों बराबर है। लेकिन आपको याद होगा कि साल 2019 में इन्होंने मेंस एग्जामिनेशन से पहले ही इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था, सबका मार्कशीट जो है वो दे दिया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए अब आपके हाथ में नहीं है, उन्होंने अगर नोटिफिकेशन में आपको लिखा है और वो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो वो आपके हाथ में नहीं है, यू शुड बी वेटिंग, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा जो है वो कंट्रारी पॉइंट बन जाता है कि आप 2019 में भी बोले थे लेकिन आपने मार्कशीट तो प्रोवाइड करा दिया था, लेकिन 2022 में आप बोले हो ठीक है आप अपने हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन दिस इज नॉट द क्वेश्चन नाउ, दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ द आवर, द क्वेश्चन ऑफ द आवर इज वेदर वी आर डिस्ट्रैक्टेड। यस एब्सोल्युटली यस। देखिए अब जिस प्रकार से SBI क्लरिकल एग्जामिनेशन को कहा जा रहा है कि शायद ही डिले होगा और बहुत सारे रीजंस दिए जा रहे हैं, कोई कहता है कि जी SBI का जो अप्रेंटिस एग्जामिनेशन है उसको परमानेंट किया जाएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इलॉजिकल। कोई कहता है जी अभी SBI में ट्रांसफर वाला चल रहा है पॉलिसी तो शायद उसको कंप्लीट करके ही फिर नोटिफिकेशन होगा, अगेन गॉड नोज व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि क्या होना है एंड ऑल दैट। लेकिन यार फिर से मैं वही चीज़ आप सभी को दोहरा रहा हूँ, पोस्टपोनमेंट वही चीज़ का होता है, जो नोटिफिकेशन आ जाता है फलाने तारीख को एग्जामिनेशन करेंगे बोला जाता है लेकिन वो तारीख को नहीं किया जाता और आगे बढ़ाया जाता है। तो प्लीज़ आपके सामने जब भी कोई भी आपके सामने चुनौती है तो उसको फेस करिए ना, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास कि आपके सामने IBPS RRB की भी नोटिफिकेशन दिखेगा। अब ये तो इन्होंने फिक्स कर दिया है ना कि चलो अब IBPS RRB का नोटिफिकेशन, अगर मान लीजिए IBPS RRB का नोटिफिकेशन जैसे इन्होंने कहा है उस डेट पे नहीं होता है वो बढ़ जाता है, दिस इज़ पोस्टपोनमेंट, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत पड़ती है राइट। लेकिन अभी इन्होंने दे दिया है टाइम, आपके पास काफ़ी टाइम है, एम्पल टाइम है आप, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। चलिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो RBI असिस्टेंट की तैयारी कर रहे थे या RBI असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन दे चुके होंगे, डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो ऑलरेडी वर्किंग होंगे और डेफिनेटली RBI की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ या आगे चल के जो भी एक बैंकर बनेगा उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में ही रहना चाहते हैं, बहुत सारे सर्टिफाइड एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रमोशन के लिए बहुत हेल्प करता है, आपकी इंक्रीमेंट बढ़ाती है। JEE या CAEE, JEE क्लियर करेंगे तो आपका एक इंक्रीमेंट बढ़ता है, CAEE क्रैक करेंगे तो आपका दो इंक्रीमेंट बढ़ता है। मैं तो बोलूँगा दोस्तों कि आपको जैसे ही आप लग जाएंगे उसी में आपको डेफिनेटली उस एग्जामिनेशन की तैयारी कर लेनी चाहिए। अब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लर्निंग सेशन का, लर्निंग सेशन एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, उन्होंने इस जो इनिशिएटिव है JEE का CAEE का इन्होंने स्टार्ट करके रखा है। इनका व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में नजर आता होगा, आप इनके व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और उनके वीडियो लेक्चर्स जो फ्री में उपलब्ध हैं उनके यूट्यूब चैनल पर उनको आप देख सकते हैं, और मैं खुद उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, उनके बहुत सारे वीडियो कोर्सेज भी हैं, तो डेफिनेटली आप इन सब कोर्सेज को एनरोल करेंगे तो यू विल बी सेलिंग टुवर्ड्स क्लियरिंग दोज एग्जामिनेशंस। और आप अगर इस फील्ड में रहना चाहते हो और अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं करोगे तो फिर आप बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आप लूज़ कर रहे हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या क्या आप लूज़ कर रहे हैं।
इसलिए मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इनका जो ऐप है, जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे अपने आप को साइन अप करिए और आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको दिखेगा, मॉक टेस्ट दिखेगा, उनका लाइव वीडियो कोर्सेज दिखेंगे आपको, उनका जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश कराते हैं वो सब दिखेंगे, तो सारी चीज़ें उनके ऐप में भी दिखेगा और उनका वेबसाइट भी है, जो वेबसाइट से पढ़ना चाहता है वो डेफिनेटली पढ़ सकता है, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है इंग्लिश के लिए भी अलग से है और हिंदी में भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के भी है, बहुत बेहतरीन फैकल्टीज हैं जो आप सभी को एजुकेट करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो पर, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम यूजर हैंडल है SFY_आशीष। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद जय भारत, शब आखिर, लव यू ऑल, अपने शेयर का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नमस्कार।